ऑफ एक्सप्लोर कोलकाता विश्वेता। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने ही सिटी कोलकाता को एक्सप्लोर करती हूं और मैं आप लोग को ये बताती हूं कि आप कम से कम बजट में, कम से कम पैसों को यूज़ करके किस तरह से कोलकाता को एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ओके, और इसमें मैं सिर्फ आइकॉनिक प्लेसेस ही कवर नहीं करती हूं, मैं उन जेम्स को भी कवर करती हूं जो आप लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग नहीं जानते हैं उन अच्छे अच्छे प्लेसेस के बारे में, तो ऐसे ही एक प्लेस पे आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे तो आए पहला बार है यहाँ पे, है ना? हाँ? यहाँ पे इतना सुना, फर्स्ट टाइम आए हैं। मैं आप लोग के लिए व्लॉग कर रही हूँ और यहाँ दिखा दीजिए, बीरा स्टेशन है ये। तो आप लोग को यहाँ पे उतरना है, अगर आप लोग दमदम से आते हो तो आपको यहाँ उतरना है, शियालदह से आते तो भी। आई थिंक 10 स्टेशन हमने क्रॉस किए, राइट? 10 स्टेशन के बाद आप लोग यहाँ उतरेंगे और यहाँ से अभी हम लोग, ये मेरा दोस्त सो गया था। सो गाइस, हम लोग यहाँ आ चुके हैं। सो गाइस, अभी हम लोग गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, हम लोग जा रहे हैं टोटो पकड़ने के लिए और वही हम लोग को वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे। ऐसे मत देखो यार, क्या हम लोग जाके वहाँ पे आपको रिव्यूज देंगे और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं। सो लेट्स रिव्यू द प्लेस एंड विश हिम हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। हैप्पी बर्थडे तो ठीक है, लेकिन अभी गर्मी लग रहा था तो हम लोग तो वाटर पार्क जा ही रहे हैं इसलिए। हाँ, तो लग रहा था गर्मियों में ही वाटर पार्क जाते हैं, राइट? ओके, तो चलते हैं, जाके बताएंगे कैसा है कैसा नहीं। अभी इतना एनर्जी लो की हो गया, गर्मी लग रहा है और कोई बात नहीं है। ओके बाय गाइस, सी यू सून। टावल लाना भूल गए, सो हम लोग को यहाँ से खरीदना पड़ रहा है। ओके, सो हम लोग अभी रास्ते में ही हैं, टोटो में हैं। यहाँ पे कितना 20 रुपीज़ करके लेता है, तो वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या होता है। ओके, यार टोटो ख़राब हो गया हम लोग का, लास्ट 15 मिनट्स से हम लोग यहीं बैठे हैं, पता नहीं कब ठीक होगा और हम लोग कब पहुँचेंगे। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, चलते अंदर बना लेंगे ब्लॉग। हाँ, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हैप्पी वैली पार्क। या इट्स हैप्पी वैली पार्क और हम लोग अभी टिकट ले चुके हैं, टिकट मिला, शो द टिकट्स। या सो हम लोग एंटर कर रहे हैं, अब चलते हैं अंदर जाके दिखाते हैं व्हाट्स द सिनेरियो। सो वी एंटर्ड द पार्क और अंदर अब हम लोग जा रहे हैं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतनी भीड़ है, जस्ट आई जस्ट कांट टेल यू कैसे आउटस्कर्ट पर। अच्छा ही है, एग्जैक्टली। और इतने आउटस्कर्ट वाले एरिया में अगर भीड़ हो, इसका मतलब है कि डेफिनेटली इस पार्क में कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, राइट? बहुत लोग बोलते हैं कि पानी गंदा है, लेकिन आगे चल के देखते हैं ना कैसा। एग्जैक्टली। सो गाइस, अब हम लोग की पार्टी होगी।
बुद्धम शरणम गच्छामि। जय गौतम बुद्ध। हो जा रहा है मेरा विशाल दोस्त, ये पहुंचे मेन गेट पे। वैसे सिनेरियो तो अच्छा लग रहा है, रिव्यूज तो अच्छा ही आएगा हमारे तरफ से ऐसा लग रहा है। वहाँ राइड्स कुछ दिख रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ और बोल दो, इसी में मिल जाएगा भी। या सब्सक्राइब आल्सो चैनल में। सोचो ऐसी जगह पे ऐसी भी चीजें हैं यहाँ पे। चले अब अंदर। आप लोग यहाँ से एंटर करते हो ना, तो एंट्री गेट के सीधे ही आपको मिलेगा एक स्पेस, एक काउंटर, जहाँ पे आपको कपड़े और बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। ठीक है, कपड़े मिलेंगे और लॉकर की चाबी मिल जाएगी। और प्राइस है 200 पर डिपॉजिट, 200 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। अब जब आप लोग इधर आते हो ना, तो यहाँ पे कैफेटेरिया है काफ़ी अच्छा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्राइसेस, कॉम्बो पैक से राइस, नॉनवेज, वेज सब कुछ है। और जब आप लोग इधर एंटर करोगे तो यहाँ पे हैप्पी मोमेंट बोल के एक स्टोर है। ठीक है, जहाँ पे आपको हुक्का वगैरह मिल जाएगा। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ हुक्का, आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। इसके बगल में हैप्पी बाइट्स बोल के एक काउंटर है, जहाँ से कैफेटेरिया का काउंटर है। यहाँ पे आपको फूड वगैरह मिल जाएगा, जिस टाइप का आपको चाहिए फूड बेवरेज सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और ये एरिया है फॉर ईटिंग, और यहाँ से आपका पूल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ अ पूल यहाँ पे, आई मीन ये नॉर्मल पूल है। फर्स्ट में हम लोग यहीं पे एंटर किए थे और उसके बाद उधर हम लोग गए थे, तो उधर मैं आपको लेके जाऊँगी। जब आप लोग यहाँ से इस साइड पे आ जाओगे ना, इधर कैफेटेरिया से लेफ्ट साइड में, तब आपको राइड्स दिखेंगी। ओके, तो वहाँ पे देखिए सारे बड़े बड़े राइड्स हैं। ओके, वहाँ पे बड़े बड़े राइड्स हैं, हमने सारे राइड्स एंजॉय किए हैं। वीडियोस तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो ब्लैक होल है उस साइड पे, मैं आपको सब कुछ उधर से भी दिखाती हूँ। छोटा है, लाइक शॉर्ट एंड स्वीट मेरे भाषा में।
पानी भी कहा है और जा रहे हैं पानी में तो भीजा बहुत ज़्यादा सब लोग गए चेंज करने के लिए। मैं यहाँ बैठी हूँ, प्लीज मेरे पास है, मुझे ध्यान रखना है एंड उसके बाद मैं भी चेंज करूँगी। चेंज करके यहाँ से निकलेंगे, ड्राई पार्क में थोड़ा घूमेंगे, देखते हैं ड्राई पार्क कैसा है। वाटर पार्क में इतना मज़ा आ रहा था कि ड्राई पार्क में तो हम लोग गए ही नहीं, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे एंड उसके बाद बताते हैं कि ड्राई पार्क कैसा है। चेंज करके आपसे मिलती हूँ। तुम लोग आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको घर लेके जाऊंगी। यही मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यहाँ पे, पता है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा कि इन लोगों को इस तरह से इतने छोटे स्पेस में तीन, मतलब मेरा बुलेट इससे 5 गुने बड़े स्पेस में रहता है, वो भी अकेले 24/7। और इन लोग की लाइफ देखो। शाम हो गई है और अभी हम लोग बीरा स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं। वी आर रियली वेरी टायर्ड। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। बाय बाय।